नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। सबसे पहले मैम आप अपना परिचय बताएं। मैं अपर्णा वाजपेयी जयपुर राजस्थान से एक सिंगर के तौर पर जानी जाती हूँ, क्योंकि एक सिंगर को इच्छा होती है हमेशा कि मैं सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म आगे से भी इस पहले मैं करती रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूँ और प्लेटफॉर्म में सिंगर्स को देती रहूँ। उसी श्रृंखला में ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है जो कि मैं महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 10 अप्रैल 2022 को लेकर के आने दिन रविवार है। और इसमें जो आप मेरी टीम मेट हैं, मेरी टीम नहीं है, मेरे सारे सहयोगी हैं और मेरी सहेलियां हैं, मेरी बहनें हैं, ये सब जो मुझे सहयोग कर रही हैं, जिनसे ये मेरा जो कार्यक्रम है जो मुझे समझ में आ रहा है बहुत ही सफल होने वाला है। और इस कार्यक्रम में मैं पूरे जयपुर या पूरे राजस्थान को इन्वाइट करती हूँ, दिल से आपका स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में आए हमारे जो गायक कलाकार हैं उनको सुनी, उनको सराहनी, उनको सम्मान दें और हमारे कार्यक्रम को सफल। आज पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। हाँ जी, पोस्टर विमोचन जो है हमारे कार्यक्रम का, जैसा कि सबको दे दीजिए। अगर मैं शब्दों में भी बोल रही हूँ तो वो भी विमोचन ही है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज के लिए पोस्टर ही हो, जो कि हमारी पिक्चर्स थी, हमारे शब्द भी कार्यक्रम का विमोचन करते हैं। ये हमारा पोस्टर विमोचन किया गया है आज, ये आप देखिए, नगमों तरानों की शायरी। और हमारे संग जो पूरे कार्यक्रम के लिए सूत्रधार हैं, जो कि हमारे पूरे कार्यक्रम को संभालेंगे, वो हैं उनके देवकार जी जो हमारे बीच में हैं। और इसके अलावा री चौधरी हैं, तो अंकित खंडेलवाल के साथ भी आप बड़ी बातचीत कीजिएगा, वो मेरे से अच्छा इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैडम, आपने नाम रखा है नगमो तरानों की शाम, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं यही नाम रखूं? ऐसा नहीं है, ये जो कार्यक्रम होते हैं जितने भी संगीत के होते हैं वो गीतों वाली शाम होते हैं, नगमों की शाम होते हैं, तरानों की शाम होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हर बार नए नाम से हम अपने संगीत के कार्यक्रम को लेकर के आए तो दर्शकों को भी कुछ नया सा फील होता है। अगर हम हर बार गीतों की ही शाम देखेंगे तो उससे मुझे भी लगता है कि हर बार आपको यही सुनना चाहिए। ठीक है, पोस्टर विमोचन के लिए जो कि जाने वाली राजस्थान की एक सुनी आवाज है अपर्णा वाजपेयी। हाँ जी, पोस्टर विमोचन जो है हमारे कार्यक्रम का, जैसा कि सबको दे दीजिए। अगर मैं शब्दों में भी बोल रही हूँ तो वो भी विमोचन ही है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज के लिए पोस्टर ही हो, जो कि हमारी पिक्चर्स थी, हमारे शब्द भी कार्यक्रम का विमोचन करते हैं। ये हमारा पोस्टर विमोचन किया गया है आज, ये आप देखिए, नगमों तरानों की शायरी। और हमारे संग जो पूरे कार्यक्रम के लिए सूत्रधार हैं, जो कि हमारे पूरे कार्यक्रम को संभालेंगे, वो हैं उनके खंडेलवाल जी जो हमारे बीच में हैं। और इसके अलावा री चौधरी हैं, तो अंकित खंडेलवाल के साथ भी आप बड़ी बातचीत कीजिएगा, वो मेरे से अच्छा इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैडम, आपने नाम रखा है नगमों तरानों की शाम, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं यही नाम रखूं? ऐसा नहीं है, ये जो कार्यक्रम होते हैं जितने भी संगीत के होते हैं वो गीतों वाली शाम होते हैं, नगमों की शाम होते हैं, तरानों की शाम होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हर बार नए नाम से हम अपने संगीत के कार्यक्रम को लेकर के आए तो दर्शकों को भी कुछ नया सा फील होता है। अगर हम हर बार गीतों की ही शाम देखेंगे तो उससे मुझे भी लगता है कि हर बार आपको यही सुनना चाहिए। ठीक है, पोस्टर विमोचन के लिए जो कि जाने वाली राजस्थान की सुनी आवाज है अपर्णा वाजपेयी जी, जो बहुत ही दिन से ही और से भी बहुत बहुत
जो पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज आस्तिका एंटरटेनमेंट का पोस्टर विमोचन हुआ है, इसलिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम नीतू सैनी है, मैं डायरेक्टर हूँ आस्तिका एंटरटेनमेंट की, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए कि 10th अप्रैल को नगमो तरानों की शाम दोबारा से आ रही है महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, और आप सभी का स्वागत है उसमें। अपना बात पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम निकला रही है म्यूजिकल।